हाय दोस्तों, वेलकम इन तीखा स्वाद। आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन थोड़े से अलग तरीके से, तो इसके लिए मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कांटे वाले बैंगन लिए हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके साथ ही एक नींबू लिया है और हमने हरा धनिया लिया है, धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च ली है, जीरा लिया है, हल्दी ली है, लहसुन का अदरक का पेस्ट लिया है, साथ ही तेल लिया है और ये हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और नमक लिया है। तो अभी ये सारे इंग्रेडिएंट हमें इसे बनाने के लिए चाहिए होंगे। चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, और जो हमने आधा चम्मच गरम मसाला लिया था वो डाल दिया है, साथ ही आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसके साथ ही हमने इसमें हरा धनिया की कुछ पत्तियाँ और आधा नींबू निचोड़ दिया है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया इस मसाले को हमने। अब हम हमारे बैंगन को कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ऊपर से इसको हटा देना है और इस तरीके से बीच में से इसको खोखला कर लेना है, बीच में से चीरना है, देखिए इस तरीके से। और जो इसके अंदर से निकले उसको आपको फेंकना नहीं है, जो हमने मसाला तैयार किया है उसके अंदर मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से हमने इसको बीच में से खाली कर लिया है। इस तरीके से सारे बैंगन को हम बीच में से खाली कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अलग तरीके से बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप बना के देखिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसका अंदर का जो है वो इस मसाले में मिक्स कर देते हैं, इससे हमारा ये मसाले में काम आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके से हमने सबको खोखला कर लिया है, अंदर से खाली कर लिया है। अब इसको मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से थोड़ा इसको मैश कर लें, क्योंकि ये मोटे मोटे टुकड़े होंगे, इसमें बैंगन के अंदर के बीज भी होंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें और फिर इसको भरना स्टार्ट करें। तो देखिए, हाथ से भर सकते हैं, चम्मच से भी भर सकते हैं, लेकिन हाथ से इजीली भरने में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भर लें, ऊपर तक भर लें, बिल्कुल नहीं निकलेगा मसाला, आप टेंशन ना लें। अच्छे से भरें जिससे ये बहुत ही अच्छा सा स्पाइसी से बने और बहुत टेस्टी लगे। देखिए इस तरीके से हमने सारे बैंगन को भर लिया है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। अब ये हमने 1.5 से 2 चम्मच तेल ले लिया है फ्राई पैन में, और हल्का सा गर्म करने पे ही, होने पे ही हम ये इसके अंदर रख देंगे हमारे बैंगन। देखिए हमने रख दिए हैं, अब इसको ढक लगा देते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे, हमने बिल्कुल कम गैस पे रखा था इसको, तो 2 से 3 मिनट बाद देखिए एक साइड से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और अब इनको पलट देते हैं और फिर ढक के रख देते हैं। अब चेक कर लेते हैं दोस्तों आधे 1 मिनट बाद, देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें धनिया छिड़क देंगे और ये हमारे बैंगन तैयार है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है।